हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इससे पहले हमने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा था। अब हम लोग देखेंगे यदि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट है आपका इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। ठीक, आपको फॉर्म पता है इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, यदि आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है, वो वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ है, तो आप उसको कुछ मेथड्स हैं उनको फॉलो करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है आपका इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड है आपका टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। ठीक, सेकेंड है इसमें आप उस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के आपने अभी तक जो तरीके पढ़े वो तरीके आप अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, अलग मेथड है, अलग तरीका है। ठीक है, थर्ड आता है आपका रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। आप इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ है आपका कॉसी यूलर इक्वेशन। ठीक, कॉसी यूलर इक्वेशन की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक, तो इसमें से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को पढ़ चुके हैं। हम लोग आज देखेंगे इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नो। ठीक है, जब इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमको पता हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसके बाद में आगे के वीडियोस में हम जो नेक्स्ट मेथड्स हैं वो भी सीखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं इसका, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नो। इसका डेरिवेशन पहले समझ लेते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। हम लोग मानते हैं कि लेट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें केस क्या दिया हुआ है, इफ इट्स सी एफ इज नोन। ठीक है, तो हम लोग जो इक्वेशन का सी एफ है वो मान लेते हैं, नोन है, और वो क्या है, Let y is equal to y. ये क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, बी अ नोन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने मान लिया कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो y is equal to y1 है। ठीक है, y1 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक
देन अब क्या करेंगे हम, ये जो y दिया हुआ है ठीक है, तो y is equal to y1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से रिप्लेस करेंगे, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं d स्क्वायर y1 by dx स्क्वायर प्लस p dy1 by dx प्लस q y1 is equal to r। अब ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक, हमने उसको रिड्यूस कर दिया किसमें, d स्क्वायर y1 by dx स्क्वायर प्लस p dy1 dx प्लस q y1 is equal to r, ठीक। अब हमको फिर से देखिए, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे इक्वेशन का, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे, तो यहाँ भी हमको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आप किस फॉर्म में लिखोगे नहीं पता, तो हमें यहाँ मानना है लेट वाई इज इक्वल टू बी, ये बी बी बाय वन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक। हमने मान लिया कि y इक्वल टू b बाय वन क्या है, इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। यहां v क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। v क्या है, यहां v इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमने माना है y is equal to b by 1, इस फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे इस इक्वेशन को कुछ मान लेना चाहिए, y is equal to b by 1 को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक। मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन b, सेकेंड फंक्शन y1, तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन को कॉमन रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन को कॉमन रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ रहा है b dy1 by dx plus y1 dv by dx, ये आया आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने पे। अब हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम उसको, तो कितना आ गया d स्क्वायर y by dx स्क्वायर by dx स्क्वायर is equal to, और फिर से यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहले मैंने b को कॉमन रखा, y1 का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ आया d स्क्वायर y1 by dx स्क्वायर प्लस, अब मैं dy1 by dx को कॉमन रख रही हूँ, इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस फिर से दो फंक्शन है, तो वो सॉल्व होकर क्या आ जाएंगे, वाई वन कॉमन डी स्क्वायर डी वी डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स कॉमन रहेगा, हमारा डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई वन बाई डी एक्स, ठीक। तो ये हुआ आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या था, लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
ठीक है, डीवाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या पुट करेंगे, वी डी स्क्वायर वाई वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई वन बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई वन डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू थी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो क्या है वो बी डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस वाई वन डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू y is equal to, अब ये y is equal to क्या था, वी वाई वन था, तो हम लोग यहां पे y की जगह पे क्या रखेंगे, वी वाई वन लिखेंगे, वी वाई वन इज इक्वल टू r, ठीक। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको मिटा रही हूं। ये वैल्यू आ गई आपकी, अब हम जो v के टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं और जो आपस में जुड़ रहे हो उनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एडिशन का काम कर लेते हैं, ये टर्म्स तो सिंगल है तो ये ऐसे ही लिखाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्म है dy1 by dx into dv by dx टू टाइम्स आ रहे हैं तो वो एड होके क्या हो जाएंगे, टू डी वाई वन बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, तो ये दोनों एड हो गए। अब अच्छा हमारे पास वाई वन डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी बी डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस वाई वन डी वी बाई प्लस q v y 1 इज इक्वल टू r, ठीक। इसके बाद में हमें v के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ रखना है और y 1 के जो टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग। तो v के टर्म्स में d स्क्वायर y 1 बाई डी एक्स स्क्वायर है, अब v के टर्म्स कहाँ हैं, यहाँ पर है, प्लस p v d by 1 by dx प्लस फिर से यहाँ पर v है तो q v by 1, ठीक। ये हमने सेपरेट कर दिया, प्लस अब y1 वाले टर्म्स हमको एक साथ रखते हैं तो y1 का टर्म यहाँ है y1 d स्क्वायर v y d x स्क्वायर प्लस p y1 dv by dx, ठीक। ये भी एक साथ हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, जो बचा है क्या बचा है, 2 dy1 by dx into dv by dx is equal to r, ठीक। ये काम हमने साथ में कर लिए। अब यहां से b कॉमन निकालने पे क्या हो जाएगा, ये d स्क्वायर y1 by dx स्क्वायर प्लस p dy1 by dx प्लस q y1, ठीक। यहां से मैं y1 कॉमन ले रही हूं तो ये क्या हो गया, d स्क्वायर v by dx स्क्वायर प्लस p डी वी बाई डी एक्स, ठीक। और बचा क्या है, टू डी वाई वन बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर।
अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है हमको, इस इक्वेशन में जो इसका फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हमको वैनिश करना है। वैनिश का मतलब होता है उसको जीरो करना है, ठीक। मतलब वैनिश का मतलब उसको उसका समझ लो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वैनिश का मतलब है धो दिया हमने उसको, ठीक है। तो ये हो गया वैनिश, इसको वैनिश कर दिया, हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आप नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या बच रहा है हमारा, वाई वन डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस टू डी वाई वन बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग इस इक्वेशन को y1 से डिवाइड कर रहे हैं, y1 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन बन जाएगा d स्क्वायर v by dx स्क्वायर प्लस p dv by dx प्लस 2 by y1 dy1 by dx into dv by dx is equal to r, ठीक। अब जो dv by dx वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रख रहे हैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, डी वी बाई डी एक्स है, कॉमन लेती हूं मैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, टू बाई वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर थ्री दे दीजिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी वी बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग कैपिटल पी से, ठीक। हम कैपिटल पी से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हो गया डीपी बाई डी एक्स। डीपी बाई डी एक्स कैसे हुआ, आप एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डीपी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो वही हुआ है यहाँ पे प्लस पी डीवी बाई डी एक्स को हमने माना पी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पी प्लस टू बाई वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स डीवी बाई डी एक्स कैपिटल पी इज इक्वल टू आर। अब इस इक्वेशन को हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आप उससे कंपेयर करो इसको, ये एग्जैक्ट उसी फॉर्म में ही मिलेगा, बस आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, कैपिटल पी यूज हो रहा है उसकी जगह पे, ठीक। तो हम लोग देखिए कि ये किस फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, इसका पहले आइडेंटिटी फैक्टर निकालते हैं, तो आई एफ क्या रहता है इसका, ई टू द पावर पी डी एक्स रहता है, ठीक, क्यों यहाँ पे, ठीक है। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ये जो हमें मिला है थर्ड फोर्थ इक्वेशन उसका हमको आइडेंटिटी फैक्टर बनाना है और कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है। तो आइडेंटिटी फैक्टर क्या होगा इसका, आइडेंटिटी फैक्टर इज e टू द पावर, इस p की जगह पे कंपेयर कीजिए क्या है यहां पर, p प्लस टू बाई वाई वन डी वाई वन बट बाई डी एक्स है। तो ये लिखिया हमने p प्लस टू अपॉन वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स, ठीक, और ये डी एक्स बचा है तो ये डी एक्स। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यदि मैं
dx को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, पी डी एक्स प्लस 2 अपॉन y1, ये dx कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा dy1। ठीक, अब इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ, पी डी एक्स इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 बाई y1 dy1। ठीक, p क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ कितना आया e टू दी पावर पी एक्स, या इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, यहाँ p की कोई वैल्यू हो सकती है क्योंकि आपके पास, तो p dx इंटू यहाँ क्या है e, इंटीग्रेशन किसका करना है 1 अपॉन y1 का, 1 अपॉन y1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 log y1 होगा। इसके बाद में जब e के पावर में log रहता है तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, पहले तो a log b होता है log b टू द पावर a हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पहले तो e log y1 स्क्वायर हो जाएगी। अब इसके पावर में जब log होता है तो वो वैल्यू क्या आएगी y1 स्क्वायर इंटू e टू द पावर p। ये आया इसका आइडेंटिटी फैक्टर, मैं यहाँ अलग से लिख लेती हूँ आइडेंटिटी फैक्टर आई एफ एस का, e टू द y1 स्क्वायर इंटू e टू द पावर p dx। ठीक, आई एफ कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, आई एफ निकल चुका है हमारा, y की जगह पे क्या यूज हो रहा है यहां पर p, तो p इंटू आई एफ कितना है y1 स्क्वायर इंटू e टू द पावर p dx। ठीक, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है यहां पर r p इंटू आई एफ, आई एफ क्या है y1 स्क्वायर e टू द पावर p dx। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, अब बता दूं मैं आपको इस इक्वेशन का ही यूज करना है, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये तो डेरिवेशन था, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये अचानक से फॉर्मूला कहां से आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हम फॉर्मूला कैसे निकालिए, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से निकाला गया है, जनरेट किया गया है, क्रिएट किया गया है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, आपको कंफ्यूज